कल की क्लास में हम लोग किस जगह पे थे कि जो हमारा बीम होता है, ठीक, बीम सर सेक्शन पे टोटल वॉइस नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही है, सर आ रही है। बीम सेक्शन पे हमारा टोटल कंप्रेशन फोर्स कितना आ रहा था, टोटल टेंसाइल फोर्स क्या आ रहा था, ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, उस पे जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ रहा था, टोटल कंप्रेशन फोर्स वो कितना आया हुआ था, टी और यहाँ सी। टी क्या है हमारा, टोटल टेंसाइल फोर्स, ये कितना आया हुआ था, 0.87 FYEST, ठीक। वहीं पे जो हमारा टोटल कंप्रेशन फोर्स आया हुआ था वो कितना आया हुआ था, 0.36 FCK इंटू बी इंटू FCU, ठीक आया हुआ था टोटल कंप्रेशन फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स। कल की क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर सके हुए थे, तो आज की क्लास इसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था कि जब हमारे फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, मतलब जैसे हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, क्या फाइंड करनी है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। न्यूट्रल एक्सिस, ये हमें फाइंड करना है, ठीक। तो उसमें हम क्या लेंगे कंडीशन, इसमें हम लोग कंडीशन लेते हैं कि टोटल टेंशन फोर्स बराबर टोटल कंप्रेशन फोर्स, ठीक, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन या फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। दोनों मतलब कोई भी हमारा बीम सेक्शन है, उस बीम सेक्शन पे आने वाले कुल संपीड़न बल को कुल तनन बल के बराबर कर देते हैं, मतलब टोटल टेंशन बराबर टोटल कंप्रेशन, ठीक। तो टोटल हमारा टेंशन कितना आया हुआ था और टोटल कंप्रेशन कितना आया हुआ था, सबसे पहले कंप्रेशन लिख दो यहाँ पे, 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू, ठीक, बराबर टोटल टेंशन कितना आया हुआ था, 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी, ठीक। यहाँ से एक्स यू की वैल्यू निकल आएगी, एक्स यू बराबर कितना आ जाएगा, 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.87 एफ सी के इंटू बी, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमें निकल आई डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की, ठीक। ये हमें एक्स यू की वैल्यू मिल गई। इसके बाद कल जब हम लोग डायग्राम देख रहे थे अपने, तो डायग्राम में कुछ इस प्रकार से सेक्शन बने हुए थे, वो सेक्शन भी देख लो कौन कौन से हमारे सेक्शन बने हुए थे। सबसे पहले बना हुआ था बीम का क्रॉस सेक्शन, ये उसकी न्यूट्रल एक्सिस थी, ठीक। यहां पे हमारी स्टील पड़ी हुई थी, तो फिर हम इसके बाद बना लेंगे क्या, हेलो वेन डायग्राम। बोलो बेटा। सर डबल कलर हो रहे हैं। बेटा सिर्फ तुम्हारे में ही क्यों प्रॉब्लम आ रही है, डबल कलर हो रहा है सर, डबल कलर हो रहा है, डबल कलर हो रहे सर। अच्छा डबल हो रहा है, ठीक है, यस सर, ओके ओके ओके। अब सिंगल आ रहा है कि अभी भी डबल ही आ रहा है? सब सिंगल आ रहा था, सिंगल आ रहा है, ठीक है ओके। मैं दोबारा से बना देता हूँ सबको, ठीक। ये हमारा बीम सेक्शन हो गया, ठीक, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई, ओके। यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई, स्टील हो गई,
सबसे पहले इसका बनाते हैं स्ट्रेन डायग्राम। फिर बनाते हैं इसका स्ट्रेस डायग्राम। हम लोगों ने स्ट्रेन और स्ट्रेस के केस में क्या पढ़ा हुआ था बताओ जंक्शन। स्ट्रेन और स्ट्रेस के केस में हम लोगों ने एजम्पशन क्या पढ़े हुए थे कि जो हमारा कंक्रीट होता है, कंक्रीट का जब हम लोग माइल्ड मतलब कंक्रीट का जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं एक उस केस पे कंक्रीट पे जो मैक्सिमम हमारी स्ट्रेन मिलती है वो कितनी मिलती है 0.0035 ठीक। इन ये स्ट्रेन हमें मिली कितनी 0.0035। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था यहाँ पे जो हमें स्ट्रेस मिल रही थी वो कितनी मिली थी 0.446 एफसी के। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था कि पहले जीरो से लेके ये हमारा क्या है यहाँ पे ये स्ट्रेन जीरो है, जीरो से लेके 0.002 तक हमारा क्या जाता है जो कर्व होता है उसका एक पैराबोलिक जाता है इधर तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक पैराबोलिक जाएगा एक। फिर 0.002 के बाद से 0.035 तक क्या जाता है ये स्ट्रेट जाता है। क्या बेटा कुछ नहीं सर कुछ नहीं। यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेन होगी वो कितनी होगी वो होगी 0.002 ओके ओके। हम लोगों ने इस डेप्थ को माना हुआ था कल एक्सयू न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ थी एक्स यू मान लिया और इसको माना हुआ था ऊपर वाली को एक्स वन और नीचे वाली को माना हुआ था एक्स टू। कोई दिक्कत एक्स वन एक्स टू और ये एक्स यू। यहाँ पे हमारा टोटल टेंसाइल फोर्स पी वर्क कर रहा था और जहां पे देखो एक हमारा ये वाला सेक्शन है रेक्टेंगुलर सेक्शन यस सर और ये सेक्शन हमारा कैसा है पैराबोलिक सेक्शन है पैराबोलिक ठीक। हमने दोनों का एरिया निकाला, दोनों के एरिया निकालने के बाद हमने देखा कि इसका जो हमारा टोटल कंप्रेशन फोर्स होता है वो इधर पे कहीं हमारा क्या करता है एक्ट करता है यानी टोटल सी और सी की जो वैल्यू होती है वो कितनी आई थी 0.36 एफ सी के बी ठीक। ये हमारी वैल्यू आई थी टोटल टेंशन की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 0.87 FYST ठीक। ये वैल्यू हमें टोटल टेंसाइल फोर्स की मिली थी, ये वैल्यू मिली थी हमें टोटल कंप्रेशन फोर्स की। अब ध्यान देना टेंसाइल फोर्स को किससे शो करते हैं टी से। देखो यहाँ पे मेंशन भी है ये लिखा हुआ है यस सर ठीक। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था अपने एजम्पशन में, मैं टोटल यहाँ पे देखो जो भी बना रहा हूँ जो भी बता रहा हूँ तो मैं सिर्फ एजम्पशन के हिसाब से बता रहा हूँ जो हमारे आई स्कोर में रखे हुए हैं। हमने क्या पढ़ा हुआ था कि जो हमारा टेंशन स्टील पे जो यहाँ पे स्ट्रेन मिलेगी वो स्ट्रेन हमारी 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 से कम नहीं मिलेगी ठीक। स्टील जो हमारी स्ट्रेन देगा वो इससे कम नहीं देगा, इससे ज्यादा देगा। कंक्रीट कितनी स्ट्रेन दे रहा था ये दे रहा था
कंक्रीट कितनी दे रहा था स्ट्रेंथ 0.0035, और स्टील जो हमारी स्ट्रेंथ देगा 0.87 FY/ES + 0.002 देगा, ठीक। टोटल टेंसाइल फोर्स 0.87 FY/EST, ठीक। सी की वैल्यू कितनी थी 0.36 FC के बीन टू XU, और X1 और X2 इन दोनों की वैल्यू भी हमने निकाली हुई थी। ये वैल्यू कितनी थी नीचे वाली थी 4/7 ऑफ XU, और नीचे वाली कितनी थी ऊपर वाली 3/7 ऑफ XU। इतना हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया हुआ था। अब ये बताइए जरा, जो 3/7 होता है, 3/7 हमारा कितना निकल के आता है 3/7 XU, ये किसकी वैल्यू थी X1 की, ठीक, X1 ही माना हुआ ना इसको, हाँ। ये कितना निकलेगा 0.42 XU, हमने इसको डेसिमल में चेंज कर लिया। मैं कल की मतलब लास्ट क्लास में एक जगह मैंने बताया हुआ था कि जो हमारा लीवर आर्म होता है वो क्या होता है, लीवर आर्म जेड, मैंने बताया हुआ था ना लास्ट क्लास में कि टोटल कंप्रेशन फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स, ठीक, मतलब जिस पॉइंट पे हमारा टोटल कंप्रेशन फोर्स एक्ट कर रहा है और जिस पॉइंट पे हमारा टोटल टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है, उनके बीच की जो हमारी डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर आर्म या जेड बोलते हैं, ठीक। ये बताया हुआ था लास्ट क्लास में, नहीं बताया हुआ था तो ये बताइए टोटल हमारा कंप्रेशन फोर्स कहाँ पे है, इधर पे, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, यदि डबल हो तो बताना तो फिर कोशिश करूंगा, ठीक। हमारा जो टोटल कंप्रेशन फोर्स है वो ये एक्ट कर रहा है, ये देखो, इस जगह पे, ठीक, मतलब इस पॉइंट पे, इधर पे एक्ट करेगा। टोटल टेंसाइल फोर्स हमारा इधर एक्ट कर रहा है, तो इनकी बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस, ये क्या होगी, यही हमारा जेड होगा। अभी भी डबल हो रहा है, डबल कलर तो नहीं सो रहा है, कलर डबल हो रहा है कि सिंगल है, डबल है, डबल है, डबल है, ओके, तब इस प्रॉब्लम ही आ रही है। चलो ब्लैक यूज कर देता हूँ। तुम्हारा जो ये गैप था, ठीक, इसी को हम लोगों ने क्या बोला हुआ था लास्ट क्लास में, अपने जेड बोला हुआ था। टोटल टेंसाइल फोर्स और टोटल कंप्रेशन फोर्स जिन पॉइंट पे एक्ट कर रहे थे, एक पॉइंट हमारा ये था और एक पॉइंट हमारा ये था, ठीक, इनकी बीच की दूरी को ही हम लोगों ने क्या बोला हुआ था, लीवर आर्म बोला हुआ था, मतलब उत्तोलक भुजा। अब यहाँ पे ये बताइए जेड की वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल हमारा टी है, मतलब सॉरी ओवरऑल हमारा क्या डी है, देखो इधर पे ये दे रखा हुआ है, टोटल डेप्थ हमारी कितनी है, डी है, और जो सी है, सी कहाँ पे एक्ट कर रहा है, 3/7 XU पे एक्ट कर रहा है, यानी ऊपर से 3/7, जब ऊपर से 3/7 होगा यहाँ पे हमारी क्या निकल आएगी, जेड बराबर डी माइनस 3/7 XU, ठीक, और इसको चेंज कर दो तो डी माइनस 0.42 XU, ठीक। ये हमारा क्या निकल आया, ये निकल आया लीवर आर्म, ये लीवर आर्म निकल आया। बताइए लीवर आर्म सभी को समझ में आया कि नहीं आया।